कैसे होगा बेबा पंडित जी, अकेले करूंगी क्या मैं शादी? बहुत सारे उपाय दे रहे थे ना, कभी दांगा, कभी सिंघोड़ा, कभी बरगद का पेड़, क्या हुआ? सारे पूछने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? अधिक मुझे यहाँ शादी के मंडप से छोड़ के चला गया है और मैं दुल्हन बने यहाँ खड़ी हूँ, बेवकूफों की तरह दिख रहा है ना आपको? तुम्हें क्या लगा थे तुम मुझसे इस तरह शादी का वादा करोगे, मंडप तक ले आओगे और फिर बीच रास्ते में छोड़कर वापस अपने फैमिली के पास चले जाओगे? और मैं तुम्हें जाने दूंगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अधिक, तुम मेरे हो। बेटा इन कागजातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों रो रो के हलकान हो रही हो बेटा? हमारी बात का यकीन करो, अधिक ऐसा कुछ नहीं करेगा। अम्मा मेरे लिए मंगल, अदित ने तुमसे दोबारा शादी की। Hi, this is Jia Mustafa and you're watching Teletush. मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में अदित और सोम्या फाइनली शादी कर रहे हैं और मंगल के सामने ये सच भी आ जाएगा। अब होता ही है कि अदित और सोम्या पहुंच जाते हैं मंदिर में और इसी बीच में भाई करवा चौथ का मौका है। यहाँ पर मंगल ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है और पूरा दिन ना मंगल के यहाँ पर उसको घबराहट हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो हो सकता है गलत हो जाए। और वही हमने देखा था कि भाई जब पूजा करने के लिए करवा चौथ की बरगद के पेड़ के पास जाती है तो यहाँ पर उसका सामना हो जाता है सोम्या के साथ। सोम्या भी बड़े अपने दुल्हन के रूप में आई होती है तो शादी करने जा रही हूँ और उससे पहले ही भाई मंगल उसके हाथ में ना मेहंदी भी देख लेती है जिसमें ए देख पाती है, जिसे देख के यहाँ पर उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कि ये मैं इतनी देर से जो ढूंढ रही थी सोम्या के पास कैसे, क्योंकि सोम्या के पास सेम टू सेम वैसी है। और यहाँ पर जब वो पूछती भी है सोम्या से कि तुम्हारे पास कैसे आई तो सोम्या उसको छूने से मना कर देती है और भाई सोम्या दिमाग में यही सोच रही है कि अदित को मैंने ये बोला था कि भाई मेरी सिंदूरदानी टूट गई है, लेकिन उसको ये थोड़ा ना बोला था कि मंगल की उठा के ले आना। अब कोई बात नहीं, अगर मंगल की लेकर आ गया है वो जाती है मंगल जहाँ पर ये दोनों शादी कर रहे हैं। एक आखिरी फेरा लेने वाले होते हैं सोम्या और अदित और इतने में मंगल आ जाएगी सामने और मंगल जैसे ही उसको देखेगी ना वैसे उसके होश उड़ जाएंगे, उसके हाथ से सारी थाली वगैरह गिर जाएगी और अब देखते हैं तरीके से यहाँ पर अपनी सफाई देगा। ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे लेकिन अभी तो भाई एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है।